हेलो गाइस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आपका हिंदी पैडागोजी का मॉक टेस्ट फोर्थ आ चुका है आपके सामने। तो इससे पहले हम तीन मॉक टेस्ट कर चुके हैं आपके हिंदी पैडागोजी के, तो बहुत बढ़िया आप लोगों का रिस्पांस उसमें रहा है। बहुत बढ़िया आपका मतलब काफ़ी क्वेश्चन आपने सही आंसर दिए हैं, बहुत ज़बरदस्त, और आपका लाइक भी बहुत ज़्यादा आए हैं, तो आपने बहुत पसंद किया है उसको आई थिंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये है आपका मॉक टेस्ट फोर्थ, और इसमें जो है आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे पैडागोजी के। जिस तरह से आपके जो है 15 ही क्वेश्चन आपके पैडागोजी के आते हैं सीटेट में, तो हम 15 ही पैडागोजी के क्वेश्चन लेके और मॉक टेस्ट आपका तैयार कर रहे हैं, तो बहुत जबरदस्त है आपके लिए, बेनिफिशियल रहेगा सीटेट के लिए बहुत ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसमें जो है आपको देखना है कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ते रहेंगे हम, तो आप उसमें को काउंट करते रहेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं, और उसके बाद में लास्ट में आप कमेंट करके बताएंगे कि 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। इससे आपको अपना लेवल भी पता चल जाएगा और प्रैक्टिस भी आपकी बेहतर तरीके से हो जाएगी। चलिए, और जिन लोगों को नोट्स चाहिए होंगे वो इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, तो नंबर आप नोट कर लीजिए। बाकी चीजें आपको वहीं पर बता दी जाएंगी कि आपकी कॉस्ट रहेगी, किस तरह से आपको प्रोवाइड होंगे, वो सारी चीजें आपको वहीं पर बता दी जाएंगी। तो शुरू करते हैं। जो लोग भी नए हैं भाई, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहां पर जो है पहला क्वेश्चन है आज का आपका, हिंदी मातृभाषा विषय में उसकी वास्तविक विषय वस्तु होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका वैचारिक अनुशीलन, दूसरा ऑप्शन आपका भाषा तात्विक अनुशील, सी ऑप्शन आपका पाठ का विशिष्ट स्थल, और डी ऑप्शन आपका जीवन मूल्य। तो फटाफट से आंसर लिखें सब लोग। तो आंसर राइट होता भाई आपका बी ऑप्शन, भाषा तात्विक अनुशील। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन आपका पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, बी ऑप्शन है आपका भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना, और सी ऑप्शन है निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, और डी ऑप्शन है परीक्षा का आयोजन करना। चलिए सब लोग अपना आंसर लिखें और जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करें आप लोग। तो यहां पर आंसर राइट होता है आपका बी ऑप्शन, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना जो है आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। और अगर हम टैग वर्ड्स की बात करें तो हमने बात की थी, तो अवसर शब्द आ चुका है इसमें, तो बी ऑप्शन आपका वैसे भी राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका, सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, बी ऑप्शन है सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, सी ऑप्शन है आपका बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, और डी ऑप्शन है आपका सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, लिखें जल्दी से अपना आंसर। हाँ जी, तो यहाँ पे आंसर राइट होगा बी ऑप्शन, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, ये कथन आपका जो है यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि इसमें बोल रहे हैं कि उचित नहीं है, जबकि उचित होता है, कहानी कथन तो आपका बहुत ही बढ़िया चीज है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका निगेटिव है, तो बी ऑप्शन होता है राइट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न आपका, हिंदी विषय के मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, छात्रों को संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करना पड़ता, बी ऑप्शन है आपका छात्र को प्रश्न कम करने पड़ते हैं, और सी ऑप्शन है छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है, और डी ऑप्शन है आपका छात्रों को नकल करने का अवसर कम मिलता है। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, सब लोग लिखते रहे भाई अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर आंसर जो राइट होता है आपका सी ऑप्शन राइट होता है, छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर मिलता है। निबंधात्मक प्रश्न की बात कर रहे हैं, तो निबंध में क्या होता है, निबंध जो है लंबा लिखना होता है, काफी शब्दों में लॉन्ग आंसर टाइप, तो उसमें क्या होता है, जितने भी विचार बच्चे के अंदर होते हैं वो उसको एक्सप्रेस कर पाता है, अपने मन की पूरी बात लिख सकता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उसको अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर मिल रहा है, जो चाहे उसमें लिख सकता है वो, जो उसके अंदर विचार आ रहे हैं, तो सी ऑप्शन राइट होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सुंदर लेख का अभ्यास, दूसरा ऑप्शन है अपने अनुभवों को लिखना, तीसरा ऑप्शन है श्रुत लेख, और डी ऑप्शन है आपका पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, लिखें भाई सब लोग अपना आंसर। हाँ जी, तो यहां पर जो आंसर राइट होता है आपका लेखन कौशल में,
यहाँ पे आंसर राइट होता है आपका बी ऑप्शन। इसने पूछा है लेखन कौशल की का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर होगी, तो अपने अनुभवों को लिखना जो है ये सबसे बेहतर विधि होगी, क्योंकि इसमें क्या होगा कि बच्चा एक्सप्रेस ज्यादा कर पाएगा। अब अपने अनुभव लिखने हैं तो उसको ज्यादा एक्सप्रेस वो कर पाएगा, तो इसलिए हम बी ऑप्शन को चुन लेंगे यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है, तो फर्स्ट ऑप्शन है गृह कार्य देना अति आवश्यक है, बी ऑप्शन आपका गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, सी ऑप्शन है आपका बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, और डी ऑप्शन आपका गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। चलिए बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर, और काउंट करते रहेंगे आप लोग कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं उसको आप जो है बिल्कुल काउंट करेंगे। तो भाई यहाँ पे जो आंसर राइट होता है आपका यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट होता है, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार जो है गृह कार्य दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका कविता पाठ करने से विद्यार्थियों की किस अभिव्यक्ति का विकास होता है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका मौखिक अभिव्यक्ति, बी ऑप्शन है आतंककारी अभिव्यक्ति, सी है आपका यहाँ पर लिखित अभिव्यक्ति, और डी ऑप्शन आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। जी हाँ, यहाँ पर जो आंसर राइट होता है आपका पहला ही ऑप्शन आपका राइट होता है। यहाँ पे जो है कविता पाठ करने से मौखिक अभिव्यक्ति का सबसे ज्यादा विकास होगा, क्योंकि बच्चे कविता पढ़ेंगे उसको गाएंगे तो उसमें क्या होगा उनकी मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ेगी। चलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट होता है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता, तो फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरण विधि, दूसरा है आपका सूत्र विधि, तीसरा है अनुवाद विधि, और डी ऑप्शन है आपका प्रत्यक्ष विधि जिसको डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आंसर राइट होता है भाई आपका यहाँ पे डी ऑप्शन, प्रत्यक्ष मेथड जो है यहाँ पे डायरेक्ट मेथड इसको हम बोलते हैं, उसमें आपका मातृभाषा को मध्यस्थ बनाने की यानी कि मीडियम बनाने की जरूरत नहीं होती। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है उसमें जो है जो विद्वान होते हैं जो भाषा के विद्वान होते हैं उनसे जो है बच्चों की डायरेक्टली बातचीत कराई जाती है, इंटरेक्शन कराया जाता है। ये दूसरा तरीका ये हम कह सकते हैं कि जैसे कि माहौल है जहाँ पे हिंदी भाषा है जो भी द्वितीय भाषा है आपकी जैसे कि इंग्लिश भाषा है, तो मान लीजिए इंग्लैंड में या अमेरिका में भेज दिया जाए तो वहां पे माहौल ही उसका है, सारी चीजें इंग्लिश में बोली जा रही हैं, तो वो भी एक डायरेक्ट मेथड है, तो वहां पे मातृभाषा की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली जो है अनुकरण के द्वारा जो है बच्चा सीख सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से क्या वाचन का आधार नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन है अभिनय, दूसरा है वाचन मुद्रा, तीसरा है आपका छंदानुक्रम वाचन शैली, और बी ऑप्शन डी है आपका भावात्मक वाचन विधि। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहां पर जो आंसर राइट होता है पहला ही ऑप्शन आपका राइट होता है, अभिनय जो है वो वाचन का आधार नहीं है आपका। अभिनय का मतलब होता है आपका रोल प्ले करना, जिसको नाटक भी कहते हैं, एक्टिंग करना, तो उसमें वाचन से कोई लेना देना नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका राइट होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका श्रवण कौशल के शिक्षण के द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, बी ऑप्शन है छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, सी है श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, और डी है आपका उपर्युक्त सभी। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, सब लोग लिखते रहे अपना आंसर। हाँ, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट होता है, उपर्युक्त सभी जो है इसके अंदर सम्मिलित हो जाएंगे श्रवण कौशल के अंदर, तो फोर्थ ऑप्शन आपका होता है राइट आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय हिंदी के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका दूसरों के विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना, और आपका सेकंड ऑप्शन है आपका बी प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्रता महसूस करना, सी ऑप्शन है दूसरे बच्चों के साथ श्रेय का की साझेदारी करना, और डी ऑप्शन है आपका प्रतिदिन शिक्षक का अभिवादन न करना। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, जल्दी से लिखें सब लोग। तो
तो यहां पर आंसर राइट होगा आपका सी ऑप्शन, दूसरे बच्चों के साथ श्रेक की साझेदारी करना यानी कि शेयर करना, ये जो आपका यहाँ पे आंसर राइट होता है सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत संगीत अंत्याक्षरी भाषण वाद विवाद आदि में सहायक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका भाषा और साहित्य को समझना, दूसरा ऑप्शन है आपका अधिक अंक प्राप्त करने, सी ऑप्शन है आपका समय और श्रम की बचत करने, डी ऑप्शन आपका शिक्षक के कार्यभार को कम करने। चलिए बताइए किसमें सहायक होते हैं, तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा यहां पर। तो यहां पे पहला ही ऑप्शन आपका राइट होता है, भाषा और साहित्य को समझने में जो है ये चीजें सहायक होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सुनी समझी पढ़ी हुई बातों को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना, बी ऑप्शन आपका संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना, सी ऑप्शन है आपका प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली की समीक्षा करना, और डी ऑप्शन है सृजनात्मक लेखन द्वारा निजी शैली का विकास करना। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, सब लोग लिखते रहे अभी अपना आंसर। तो यहां पे जो आंसर राइट होता है आपका, यहां पे होता है आपका सी ऑप्शन राइट, प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली की समीक्षा करना जो है ये आपका सबसे कम महत्वपूर्ण है। ये कह सकते हैं कि ये जो है आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर ये संबंधित ही नहीं है, क्योंकि भाई आप प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली समीक्षा करना, समीक्षा का मतलब होता है कि आप जो है उसका विश्लेषण करके उसकी कमियां और उसकी अच्छाइयां उस चीज की समीक्षा कर रहे हैं आप, तो वो काम जो है एक बड़ा लेवल उच्च स्तर का काम है, ये बच्चों का काम नहीं है, तो इसलिए सी ऑप्शन यहां पर रिलेटेड नहीं होगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपका यहां पर बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका यहां पर बोलने की तेज गति, दूसरा ऑप्शन है आपका बी शुद्ध उच्चारण, और आपका जो है सी ऑप्शन है यहाँ पे समझकर बोलना, और आपका जो है डी ऑप्शन है आंखों देखा वर्णन। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, सब लोग लिखें भाई अपना आंसर। हाँ जी, तो यहां पर जो आपका आंसर राइट होता है भाई, यहां पे होता है आपका सी ऑप्शन, समझकर बोलना जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका बोलना कौशल के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कक्षा 2 का छात्र राम प्रत्येक शब्द को अशुद्ध उच्चारित करता है तथा शिक्षक के प्रयास करने पर वह धीरे धीरे शुद्ध उच्चारण करना सीख जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि राम में प्रारंभिक अवस्था में उच्चारण का दोष होना कारण है, किसका कारण है। फर्स्ट ऑप्शन ज्ञान का अभाव, दूसरा है अभ्यास का अभाव, तीसरा है आपका भाषा के व्याकरण का अभाव, और डी ऑप्शन है उचित निर्देशों का अभाव। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, सभी लोग लिखें भाई अपना आंसर। तो भाई यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका राइट होता है, ज्ञान का अभाव जो है हो सकता है यहाँ पे कारण, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट होता है आपका ज्ञान का अभाव। तो फ्रेंड्स चलिए ये हमारे जो है पूरे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, और अब आप जो है जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, 15 में से कितने आपने सही किए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, और जिन लोगों को नोट्स चाहिए होंगे वो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तो नंबर आप नोट कर लीजिए। ओके चलिए ठीक है, शेयर जरूर करते रहें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।